क्वेश्चन ये है कि पार्ट वन में एक थ्री ब्लॉक सिस्टम है, उस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई हो रहा है, फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों गिवन है, तो स्ट्रिंग सी बी में टेंशन फाइंड आउट करना है, इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर ब्लॉक ए और बी के लिए फ्रिक्शन जीरो है। पार्ट टू में ये फाइंड आउट करना है कि ये मैन इस रोप पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैक्सिमम कितना फोर्स अप्लाई कर सकता है ताकि ये बोर्ड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मूव ना करे। और यहाँ पर बोर्ड और ग्राउंड के बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू के इक्वल है, तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट वन को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट वन में हम क्या करते हैं कि ब्लॉक ए और बी का कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं और उस पर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं। दिस इज ब्लॉक बी, मास 2 kg, एंड दिस इज ब्लॉक ए, मास 2 kg। तो इस पर इस तरफ हॉरिजॉन्टल फोर्स 10.2 न्यूटन अप्लाई हो रहा है, और मान लेते हैं कि स्ट्रिंग सी बी में टेंशन टी है, तो ब्लॉक बी पर इस तरफ टी फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है। एंड वी हैव एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इक्वल टू 0.6 m/s², ठीक है। तो इस पर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं। सो वी हैव 10.2 - टेंशन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सिस्टम का टोटल मास 4 kg है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0.6 m/s². सो दिस इंप्लाई दैट टी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10.2 - 2.4, एंड दिस इंप्लाई दैट टी इज इक्वल टू 7.8 न्यूटन। ये आंसर हो गया, ठीक है। और यहां पर हम ब्लॉक सी पर जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है उसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगेन ब्लॉक सी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ब्लॉक सी, मास 2 kg, स्ट्रिंग में टेंशन 7.8 न्यूटन के इक्वल है, और मान लेते हैं कि ग्राउंड ब्लॉक सी पर काइनेटिक फ्रिक्शन एफ अप्लाई कर रहा है, ठीक है, और इसका भी एक्सेलरेशन 0.6 m/s² के इक्वल है। सो दिस इंप्लाई दैट 7.8 - f इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज 1.2, एंड दिस इंप्लाई दैट f इज इक्वल टू 6.6 न्यूटन, ठीक है। लेकिन यहां पर सिर्फ टेंशन फाइंड आउट करना है, तो सिर्फ एक लाइन में हम टेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। पार्ट टू को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट टू में ये फाइंड आउट करना है कि मैन इस रोप पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैक्सिमम कितना फोर्स अप्लाई कर सकता है ताकि ये बोर्ड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मूव ना करे। तो यहाँ पर हम मैन का और बोर्ड का दोनों का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ये मैन है, मैन का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में कैपिटल एम जी एक्ट कर रहा है, और बोट मान लेते हैं मैन पर नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट फोर्स एन अप्लाई कर रहा है। अगेन मान लेते हैं कि मैन रोप को डाउनवर्ड डायरेक्शन में एफ फोर्स से पुल कर रहा है, तो रोप मैन पर अपवर्ड डायरेक्शन में एफ फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। एंड वी हैव एक्सेलरेशन ऑफ मैन इन वर्टिकल डायरेक्शन 0, सो दिस इंप्लाई दैट एफ प्लस एन मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल एम जी, ठीक। नेक्स्ट बोर्ड का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं।
ये ग्राउंड है, तो मान लेते हैं ग्राउंड बोर्ड पर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एन डैश अप्लाई कर रहा है और स्टैटिक फ्रिक्शन इस तरफ एफ अप्लाई कर रहा है, ठीक है। रोप बोर्ड पर टेंशन फोर्स एफ अप्लाई कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो एफ के इक्वल होगा, ठीक है। अगेन बोर्ड का वेट दोनों डायरेक्शन में स्मॉल एम जी के इक्वल है और मैन बोर्ड पर दोनों डायरेक्शन में नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एन अप्लाई कर रहा है, ठीक है। दिस टू आर द एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है। तो अगेन बोर्ड का एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में जीरो है। सो वी हैव एफ इक्वल टू स्मॉल एफ, क्योंकि बोर्ड का एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जीरो होना चाहिए एंड ऑल्सो एन डैश इक्वल टू एन प्लस स्मॉल एम जी, एन प्लस स्मॉल एम जी, ठीक है। तो एन की वैल्यू यहां से पुट करते हैं, सो दिस इंप्लाई दैट एन डैश इज इक्वल टू कैपिटल एम जी माइनस एफ प्लस स्मॉल एम जी, ये एन डैश की वैल्यू हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हम बोर्ड और ग्राउंड के बीच लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड आउट करते हैं। वी हैव लिमिटिंग फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू इनटू एन डैश, ठीक है। दिस इज इक्वल टू म्यू इनटू एन डैश इज इक्वल टू कैपिटल एम जी प्लस स्मॉल एम जी माइनस एफ, ठीक है। एंड वी नो दैट स्टैटिक फ्रिक्शन एफ मस्ट बी लेस देन इक्वल टू द लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि एफ और एफ एल दोनों की वैल्यू पुट करते हैं, सो दिस इंप्लाई दैट एफ इज इक्वल टू कैपिटल एफ लेस देन इक्वल टू एफ एल एंड एफ एल इज इक्वल टू म्यू इनटू कैपिटल एम जी प्लस म्यू इनटू स्मॉल एम जी माइनस म्यू इनटू एफ, ठीक है। सो दिस इंप्लाई दैट एफ मस्ट बी लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ पर म्यू जी कॉमन हो जाएगा एंड दिस विल बी कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम डिवाइड बाई वन प्लस म्यू, ठीक है। तो इस तरह से एफ की मैक्सिमम वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन हो गया, थैंक यू।